यो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द चैनल। गाइज, पिछली बार हम लोग आ गए थे स्लेटपोर्ट टाउन में, और यार हम यहाँ पर घूम रहे थे और मुझे दिख गए ये एक्वा वाले बंदे, टीम एक्वा वाले। और शायद अब मैं इनसे पंगा लेने वाला हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। आई वॉन्ट टू गेट गोइंग टू द स्लेटपोर्ट एंड किक अप अ रकस। ओके, रकस क्या है, कोई पोकेमोन शायद। ओके, ये कौन है? दिस इज माई फर्स्ट जॉब आफ्टर ज्वाइनिंग टीम एक्वा। इट्स अ लिटिल स्कैरी। ओके, टीम एक्वास एक्शंस शुड ब्रिंग स्माइल्स टू द पीपल्स फेसेस। वो तो मुझे पता है भाई, कितनी स्माइल ला देते हैं ये लोग। टीम एक्वास एक्टिविटीज वी कांट टॉक अबाउट देम येट। ओके भाई, ये लोग कुछ सस्पिशियस काम कर रहे हैं, तो मैं फिलहाल इनसे कोई पंगा नहीं ले रहा। फिलहाल मैं पोकेमॉन ढूंढने में थोड़ा व्यस्त हो जाता हूँ। ओके, एक पोकेमॉन कौन है? ओके ओके गाइज, मेरा ओ थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, क्योंकि मैं एकदम इसको देखकर चौंक ही गया। ये क्या पोकेमोन है? वाइल्ड ऑडिश अपीयर्ड। ओके, इससे मैं लड़ता हूँ पहले पहले इसकी ताकत को थोड़ा परखते हैं। 13 लेवल का है भाई, तो यार दूसरा कोई पोकेमोन लड़ाऊँ या सोच रहा हूँ मैं ऐसे कुछ। देखते हैं, हमारे पास अपना सेबल आए हैं, क्यों ना सेबल आए को थोड़ा सा, क्या कहते हैं, उसको लेवल अप किया जाए। ओके, मास्टर टॉम कम बैक, गो सेबल आए। देखते हैं भाई ये सेबल आए को कितना टक्कर दे पाता है। अच्छा, इसने यूज़ किया स्वीट सेंट। ओके, क्या करता है ये? इवासीनेस फेल है। इवासीनेस क्या होता है भाई, पता नहीं, पर ठीक है, मैं नाइट शेड यूज़ करूँगा। ओके, नाइट शेड, और ये सामने वाला पोकेमॉन तो डर के मारे भाग जाएगा शायद इससे। ओके, काफ़ी कम असर हुआ है वैसे, पर ठीक है। इसने वापस से स्वीट सेंट यूज़ किया, सेबलाइज इवासीनेस फेल। ओके, फिर से एक बार मैं अभी यूज़ करूँगा इसके ऊपर नाइट शेड। ओके, सेबल आई यूज़ नाइट शेड, देखते हैं क्या होता है। ओके, और इसका, ओके, ये बिल्कुल हारने की कगार पे आ गया है। तो गाइज, पर ये इसने कुछ एब्जॉर्ब यूज़ किया। ओके, ये शायद श्रूमिश की कैटेगरी का लगता है, ग्रास टाइप पोकेमॉन ऐसा कुछ। पर ठीक है, इसको तो मैं हराऊँ या पकड़ूँ ऐसा मैं सोच रहा हूँ। वैसे दिखने में काफ़ी नया पोकेमॉन लग रहा है, शायद इसको पकड़ना सही रहेगा, पता नहीं दोस्तों। फिलहाल के लिए तो मैं इसको हराऊंगा पहली बार, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पोकेमॉन मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे। ओके, इसने काफ़ी एब्जॉर्ब कर लिया, पर अब मैं इसको मौका नहीं दूंगा दोस्तों। ये अब शायद मुझे थोड़ा चोट पहुँचा रहा है, तो अब इसको भाई, इसको मौका नहीं देंगे, इसको हम ख़त्म करते हैं। नाइट शेड, ओके, देखते हैं ये वाला अटैक कोई रोक पाता है कि नहीं। नहीं भाई, नाइट शेड को तो कोई नहीं रोक पाया अब तक। वाइल्ड ओड इज फेंटेड। ओके, मार्श टॉम गेंट 72 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। मार्श टॉम ग्रू टू लेवल, ओके, लेवल 22। मार्श टॉम का लेवल अप हो गया। ओके, ऑल राइट, गुड गुड। सेबल आई गेंट 72 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ओके, एंड सेबल आई ग्रू टू 13। ओके, बढ़िया, चलो सेबल आई का भी लेवल अप हो गया, बढ़िया बात। सेबल आई इज ट्राइंग टू लर्न एस्टोनिश। ओके, बट सेबल आई कांट लर्न मोर देन 4 मूव्स। ठीक है, देखते हैं भाई, कोई फालतू मूव रखा हुआ है क्या मैंने? वैसे तो लियर काफ़ी अच्छा मूव है मेरे ख्याल से, और फ्लैश भी काफ़ी अच्छा मूव है। क्यों ना मैं स्क्रैच की जगह एस्टोनिश रख लूँ, पर एस्टोनिश करता क्या है ये देखना पड़ेगा। अटैक दैट में शॉक द फो फ्रॉम इनटू फ्लिंचिंग। नहीं, पर ये गोस्ट टाइप अटैक है दोस्तों, हमें इसको लेना ही पड़ेगा। तो मैं क्यों ना लियर की जगह ले लूँ इसको, पर लियर भी काफ़ी बढ़िया है यार, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है दोस्तों, पर ठीक है, मैं स्क्रैच की जगह ले रहा हूँ इसे। ऑल राइट, 1 2 3 एंड पुफ। ओके, सेबल आई फॉरगॉट स्क्रैच एंड सेबल आई लर्न एस्टनिश। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये काफ़ी अच्छा अटैक हो, क्योंकि स्क्रैच काफ़ी बढ़िया अटैक था, मैंने उसको इसके बदले ट्रेड कर लिया। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ मिल गई, क्या है ये? ओके, एक और पोकेमॉन यार, गल्पिन। ओके, वाइल्ड गल्पिन अपीयर्ड। वैसे तो मैं इन सबको पकड़ना चाहता था दोस्तों, लेकिन ठीक है, फिलहाल मैं इनसे लड़ लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ के ये लोग रेयर पोकेमॉन नहीं है तो मुझे बहुत सारे मिलेंगे। ऑल राइट, तो मैं पहले मड शॉट मार के देखता हूँ। ओके, मड शॉट, और ये हो गया पूरी तरह से गायब बिल्कुल, मतलब। ओके, गल्पिन हार चुका है दोस्तों, वाइल्ड गल्पिन फेंटेड। ओके, मार्श टॉम गेंड 128 एक्सपीरियंस पॉइंट्स। ऑल राइट, अब देखते हैं एक और कोई पोकेमॉन दिख जाए यहाँ पे भाई। छोटी सी जगह पे भाई कितने पोकेमॉन दिख गए, वो भी अलग अलग। ये कौन है?
अरे पुराने दोस्त, पूछी है ना, वाइल्ड पूछी है ना बियर्ड दोस्तों, ये तो बहुत दिनों से नहीं दिखा था, पर ठीक है, अब ये मेरे काम आएगा। इस पे मैं इससे किसको भिड़ाऊँ, मेरे ख्याल से विस्मर, विस्मर को भिड़ाना सही रहेगा। चल भाई विस्मर, आ जा बाहर। ओके आ जा बेटा विस्मर। विस्मर को भी हमको थोड़ा लेवलअप करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि वो भी काफ़ी तगड़ा पोकेमॉन बनता है इवॉल्व होने के बाद। ओके विस्मर, और ये पूछी है ना 12 लेवल का है, लेकिन मुझे नहीं लगता विस्मर को हरा पाएगा, देखते हैं। लेकिन फिर भी विजमर्स एक्यूरेसी फेल, ओ तेरी एक्यूरेसी फेल कर दी इसने, पर ठीक है मेरे पास पाउंड है, पाउंड इस्तेमाल करते हैं। पर इसने फिर से सैंड अटैक किया और विजमर्स एक्यूरेसी फेल, फिर से एक्यूरेसी कम हो गई और मेरा पाउंड फिर भी इसको लगेगा, नहीं लगा, मिस हो गया। ओके ठीक है, अपरोर यूज़ करके देखते हैं। सैंड पर इसने फिर से सैंड अटैक यूज़ कर दिया दोस्तों, यार एक्यूरेसी फिर चली गई। विजमर्स यूज्ड ओ अपरोर, सॉरी विजमर्स अटैक मिस। ओके ये मजाक कर रहा है बहुत, ठीक है, पर मैं मजाक में मूड में नहीं हूँ बिल्कुल। माकू ही था, आ जाओ भाई बाहर, थोड़ा सा इसको थोड़ा डोले शोले दिखाओ अपने। विजमर दैट्स इनफ। ओके भाई विजमर, तुमको थोड़ा बाद में लेवल अप कर लेंगे, अभी थोड़ा सा माकू ही था के डोले दिखाते हैं इसको। हैं पूछी है ना बेटा तुम, हैं ज़्यादा उड़ रहे थे, अभी दिखाता हूँ, अभी ज़मीन पर लाता हूँ तुमको। माकू ही था एक्यूरेसी फेल। अरे भाई एक्यूरेसी की क्या बात है, आर्म थ्रस्ट देखो मेरा, यूज्ड आर्म थ्रस्ट, ये ले। और ये ओ तेरी भाई, हो गया हो गया, लेकिन इसका 2 बार लगा है। ओके 2 टाइम्स, पर फिर भी यार ज़्यादा चोट नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि लेवल थोड़ा कम है ना। पर गाइज हमने पढ़ा था कि यार जो ट्रेनर्स का पोकेमॉन होता है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो देखते हैं। ओके ये रहा। ओके ओके पूछिए ना भाई। ओके चला ही गया बिल्कुल ये तो। ऑल राइट गाइज पूछिए ना गया। माको हिता अब जीत चुका है और पूछिए ना हो चुका है फेंट। ओके दोस्तों मार्श टॉम को भी पॉइंट्स मिल रहे हैं और विजमर को भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, माको हिता को भी पॉइंट्स मिल गए हैं। ओके किसी का लेवल नहीं बढ़ा, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं थोड़ा और घूमते हैं इसके अंदर, एक और कोई बढ़िया पोकेमॉन दिख जाए बस। ओके भाई ये तो बहुत बढ़िया है, ये क्या है, मिनन, हिनन, क्या नाम है इसका, मिनन अपीयर्ड। गाइज इसको पकड़ना होगा गाइज, पता नहीं क्यों ये मुझे बहुत रेयर टाइप का पोकेमॉन लग रहा है, बिल्कुल पिकाचू जैसा लग रहा है। ठीक है तो जल्दी से मैं इसको पकड़ने वाला हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगा अपना सेबल आए। ऑल राइट सेबल आए, लेट्स गो सेबल आए भाई, आ जाओ बाहर। ओके गो सेबल आए। ऑल राइट वाइल्ड मिनन यूज्ड हेल्पिंग हैंड। ऑल राइट ये कैसा अटैक था, ठीक है पता नहीं कैसा अटैक था, पर मैं नाइट शेड यूज़ कर दूंगा इसके ऊपर। ओके इसने थंडर वेव, ओके शायद इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है दोस्तों, ये तो ज़रूर से चाहिए मुझे, लेकिन इसने हमें पैरालाइज कर दिया है और शायद हमें काफ़ी मुश्किल होने वाली है अभी, पर देखते हैं क्या होता है। ओके फिर से एक बार नाइट शेड यूज़ करूँगा, पर इसने फिर से एक क्विक अटैक यूज़ किया, इट डजेंट अफेक्ट। ओके गाइस बहुत बढ़िया, सेबल आई पे इसके अटैक्स अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऑल राइट मिनन तुम मेरे हुए अब। ओके एक आखिरी अटैक गाइस, एस्टोनिश मार के देखते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसका हेल्पिंग हैंड तो फेल ही हो रहा है बार बार। सेबल आई यूज एस्टोनिश। ओके ये ले, ओ ये ओके गाइस यस यस यस, अब इसको हम पकड़ सकते हैं। जल्दी से जाता हूँ, ओके मेरे पास ग्रेट बॉल है, इसको यूज़ कर लेता हूँ। एश यूज ग्रेट बॉल। ओके क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पोके बॉल नहीं थे, इसलिए मैंने ग्रेट बॉल यूज़ कर लिया दोस्तों, देखते हैं इसको पकड़ पाते हैं कि नहीं। ऑल राइट इसको पकड़ लिया है मिनन, एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन आ गया है मेरे पास दोस्तों, मजे आ गया। मिनन डाटा वॉज एडेड टू द पोके डेक्स। ओके ऑल राइट ये रहा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। एट अ मीटिंग ऑफ पोकेमॉन एकेडमिक्स इट वॉज अनाउंस दैट साइमल्टेनियस एक्सपोजर टू द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ प्लस एंड मिनन विल प्रमोट सर्कुलेशन एंड बूस्ट वाइटैलिटी। ओके तो ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, ये तो पता चल गया, नहीं कोई निकनेम नहीं दूंगा यार, इतना प्यारा नाम है मिनन इसका, इसको क्यों दूँ। ओके तो ये पीसी में ट्रांसफर हो गया है, बढ़िया। चलो इट वॉज प्लेस्ड इन बॉक्स 5, ठीक है बॉक्स 5 में प्लेस हुआ है, बढ़िया। तो यार काफ़ी बढ़िया पोकेमोन मिल गया गाइज हमें। तो अभी हम जल्दी से पोकेमोन सेंटर जाएंगे और पहले हेल्थ रिस्टोर करेंगे और फिर थोड़े से हम पोके बॉल्स खरीदेंगे।